हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट 42 वीडियो सीरीज। गाइस पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिन बच्चों ने नहीं देख रखा वो आई बटन से जाइए, लिंक देखिए और वहां से उस वीडियो को देखिए, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट समझ पाएँ, यानी वर्ग और वर्गमूल के जो बेसिक सिद्धांत है वो मैंने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो गाइस उस वीडियो को देख लिए ध्यान से, ताकि वीडियो में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ताकि इस क्वेश्चन के जो बेसिक हैं आप समझ पाएँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इफ वन ऑफ द नंबर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर, त्रिक के अंदर जो एक नंबर है दैट इज 35, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स करेक्ट, कौन सी इसके अंदर ट्रिपलेट इस 35 के साथ करेक्ट होगी। तो गाइज मैं आपको तीन कंडीशंस दे रहा हूँ, 3m, एम स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर प्लस वन। जब भी कोई नंबर होगा ट्रिपलेट के फॉर्मेट में, पाइथागोरस ट्रिपलेट होगी, तीन नंबर होंगे, वो हमेशा इसी सीक्वेंस को फॉलो करने वाले, हमेशा इसी सीक्वेंस को फॉलो करने वाले। मुझे बोला गया है एक नंबर 35 है, तो देखिए क्या 35 यहाँ एडजस्ट हो रहा है, यानी 2m = 35 ले लूँ तो m का वैल्यू पॉइंट्स में आ जाएगा, जो मुझे नहीं लगता कि इस ट्रिपलेट को फुलफिल कर पाएगा, तो ये इसके इक्वल तो नहीं है। दूसरा मैंने लिखा एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 35, इसको इधर लेके गया तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू 36, और एम का वैल्यू कितना आ गया, √36, यानी एम का वैल्यू आ गया 6। हाँ ये यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है, यानी एम का वैल्यू यहाँ पे 6 है वो करेक्ट हो सकता है, यहाँ पे एम का मान 6 हो सकता है। तीसरी चीज़ भी लिख के देख लेता हूँ, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 35, इसको यहाँ भेजूंगा मैं, एम स्क्वायर इक्वल्स टू 35 माइनस आ जाएगा वन, और 34 एम स्क्वायर इक्वल्स टू 34, एम का वैल्यू रूट में, 34 का रूट निकलता नहीं है, इसलिए ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कन्फर्म हो गया कि इस सीक्वेंस के अंदर एम का वैल्यू 6 होगा। एम का वैल्यू कितना होगा, 6। ओके देन एम का वैल्यू 6 पुट कर दीजिए, यहाँ पे एम का वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 2 × 6 पहला नंबर, फिर 6 का स्क्वायर माइनस वन, और फिर 6 का स्क्वायर प्लस वन, यानी ये हो गया मेरा 12, दैट इज 35 एंड दैट इज 37। ये एक नंबर आपको दे रखा है, रिमेनिंग दो नंबर आपको इसमें ढूंढने हैं, कहाँ हैं, 12 एंड 37। ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, बाकी ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गए। तो इस प्रोसेस को हमेशा ध्यान रखें। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी अदर टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ऑफ 16, 16 के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बैठेगा। अगेन मैं बोले बोलूंगा 2m, m का स्क्वायर प्लस वन एंड एम का स्क्वायर माइनस वन। हम लोग इसको देखते हैं कहाँ एडजस्ट हो रहा है, ये एडजस्ट यहाँ पे हो जाएगा 2m के साथ। देखिए 2m इक्वल्स टू 16, तो m का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 8 आ गया, कितना आ गया 8। अब अदर टू नंबर पता करना है तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस वन और 8 का स्क्वायर माइनस वन, 8 का स्क्वायर प्लस वन कितना होता है 65, ये कितना होता है 63, तो 65 और 63 दो अदर नंबर्स हो जाएंगे, 65 63 का है, ऑप्शन बी के अंदर, ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा नंबर यहाँ से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए गाइस यहाँ पे बड़ी कॉन्सेप्ट की बात होती है कि यदि यहाँ पे नंबर छोटा है तो देर इज नो नीड टू मच कैलकुलेशन, और नंबर यदि बड़ा है तो वी हैव टू गो फॉर लॉन्ग डिविजन मेथड, यानी सब्ट्रैक्शन में और एडिशन के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं रहेगी, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आपका नॉलेज ही आपको आगे तक लेके जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए 176 बहुत ही छोटा नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर 10 का होता है 100, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196, यानी ये किसके नंबर के बीच में, 13 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के मिड में पड़ता है। सब्ट्रैक्ट करना है तो अपने को इसका स्क्वायर पता होना चाहिए 169, तो 169 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, यहाँ से कैरी दिया यहाँ 7, 0 एंड 0, तो राइट आंसर इज 7। यदि मैं इसमें से 7 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा, और 169 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज 13 का स्क्वायर, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, 7 आंसर हो जाएगा। और यदि एडिशन का बोलता तो मुझे हो सकता है आपको ये 14 का स्क्वायर बनाना पड़ता, एडिशन क्या बोलता था 14 का स्क्वायर बनाना पड़ता, फिर मुझे 196 में से 176 माइनस करना पड़ता और मेरा आंसर कितना होता, 20 आंसर आ जाता, कितना आंसर आ जाता 20, बट ये सब्ट्रैक्शन का बोल रहा है तो मेरा आंसर कितना है 7। तो दोनों कंडीशन में ध्यान रखें कि इसमें छोटे नंबर है तो डायरेक्ट आप कोशिश करें 30 या 40 तक के स्क्वायर तो डायरेक्ट आपको याद होंगे, वहां तक निकालने की कोशिश करें, बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो गो फॉर लॉन्ग डिविजन मैथड, कोई दूसरा रास्ता इसमें नहीं बचता गाइज। तो गाइज ये था सेकंड वीडियो, और फर्स्ट वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाइए दोबारा से फर्स्ट वीडियो देखिए, और हम लोग थर्ड वीडियो मिलेंगे बहुत अच्छे और बेहतरीन अच्छे क्वेश्चंस के साथ।